हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज हम न्यू वीडियो के साथ अपना लेसन डन करने जा रहे हैं, साइंस का वन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एफ ई एंड एफ पार्ट करा था, वन वर्ड क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस करे थे। अब हम करेंगे डिटेल क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको सारा कुछ अच्छे से समझ आए। Andy loves to eat cakes, chocolate, pizza and burger. जो Andy है उन्हें क्या खाना पसंद है? Cake, chocolate, pizza and burger. जैसा कि ये सब चीजें आपकी भी काफी फेवरेट होगी, है ना? आदित्य eats a diet containing chapatis और homemade bread, rice, green vegetables, salad, sprouts, pulses, means दाल and some fruits daily. और जो आदित्य है वो ये सब चीजें लेता है अपनी डाइट में रेगुलरली, जो भी होता है, और एंडी को ये खाना पसंद है। तो जो एंडी का फ्रूट है उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट सबसे ज्यादा है? इन सब चीजों से क्या बढ़ता है? फैट। तो क्या इन सब में फैट ज्यादा है? और ये कौन से फूड की कैटेगरी के अंदर आती है सारी चीजें? जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में बोला जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ डाइट डज आदित्य ईट। आदित्य किस तरह की डाइट ले रहा है? वो तो सही डाइट ले रहा है, अच्छी चीजें खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहा है, जिसमें ग्रीन वेजिटेबल्स भी है, ग्रेन्स भी है, फ्रूट्स भी है, सब कुछ है। तो आदित्य कैसी डाइट ले रहा है? बैलेंस डाइट। नेक्स्ट थर्ड वन इज हु विल ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रांग इन फ्यूचर एंड व्हाई। फ्यूचर में स्ट्रांग कौन बनेगा? ये तो कॉमन सी बात है, जब जो इंसान, जो पर्सन हेल्दी आइटम्स खाएगा तो वही स्ट्रांग होगा ना। जो अनहेल्दी आइटम्स खाएगा तो उसकी बॉडी में उतनी अच्छी ग्रोथ और वो ना ही ज्यादा हेल्दी और ना ही स्ट्रांग होगा। तो इतना तो आपको क्वेश्चन में समझ आ गया कि आदित्य हेल्दी होगा और फ्यूचर में, बट क्यू? अब इस क्यू का आंसर आप कैसे देंगे ये मैं आपको बताती हूँ। आप लिखेंगे आदित्य विल ग्रो हेल्दी एंड स्ट्रांग इन फ्यूचर बिकॉज हिज डाइट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बोहाइड्रेट, मिनरल एंड रॉ फिश एंड वाटर। ये सारी चीजें उसकी डाइट में, इसलिए वो फ्यूचर में हेल्दी रहेगा, उसकी ग्रोथ हेल्दी होगी और स्ट्रांग होगी। तो ये सिंपल सा था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन था, थिंक बेस्ड क्वेश्चन था, आपको लाइंस देती उसी से रिलेटेड आंसर्स करना था, ठीक है। नेक्स्ट वन में ऑड वन को सर्कल करना है। पहले तो आप लोग ये खुद करने की कोशिश करिए, देन उसके बाद इस पिक्चर को देखिए, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट में बटर, घी, ऑयल, ब्रेड, इन तीन चीजों में फैट होता है ना, ऑयली चीजों में, तो ब्रेड हो गया ऑड वन, तो इसलिए हमने ब्रेड पे सर्कल करा है। नेक्स्ट एग, कॉलीफ्लावर, फिश, मिल्क, तो कॉलीफ्लावर डिफरेंट हो गया और इन सब में एक कॉमन न्यूट्रिएंट होता है, दैट्स व्हाई हमने कॉलीफ्लावर को सर्कल करा है। थर्ड वन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, हार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक, ये तीनों हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, हार्ट नहीं है, तो इसलिए हमने हार्ट को सर्कल करा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर टू। अब क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ बढ़ते हैं। सी, थर्ड क्वेश्चन में बोला जा रहा है ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दिस इज योर डायग्राम, आपको पता चल गया होगा कि किसका डायग्राम है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या प्रोसीजर है पूरा वो इस डायग्राम के थ्रू हमें शो हो रहा है। सो योर फर्स्ट पार्ट इज आइडेंटिफाई द पिक्चर एंड लेबल इट्स पार्ट। पिक्चर तो आपको समझ ही आ गई है किस चीज की है, अब इसके पार्ट्स भी बताने हैं। तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे दिस इज द पिक्चर ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, डिफरेंट पार्ट्स आर माउथ, फूड पाइप, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इसको बिल्कुल सिक्वेंस में लिखिएगा, स्टमक पहले आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन उसके बाद आएगा, ठीक है। वो मैंने फ्लो गलती से आपको पहले बता दिया, तो ये आपको सिक्वेंस में ही लिखना है, लाइक माउथ, फूड पाइप, लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ये तो सारे नेम्स आपको याद होने चाहिए, सिंपल है ये क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं है। आप बता पहले बता दोगे कि ये पिक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम की है, देन इसके पार्ट्स के नेम, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट टू देखिए, वेयर डज द फूड गेट डाइजेस्टेड कम्प्लीटली। फूड पूरी तरह से डाइजेस्टेड कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन।
वाटर इज अब्सॉर्ब इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम? वाटर कहाँ पे अब्सॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन. कहाँ पे अब्सॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये थे डिटेल क्वेश्चंस. आई होप आपको समझ आए होंगे. अब जो हॉट्स क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगी, क्योंकि आज के लिए आप इतना ही करो, समझो और अच्छे से इसे पढ़ो. ठीक है, आज के लिए इतना ही. अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिले लर्निंग में. और अगर आपको भी ज्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइए, ताकि मुझे भी तो पता चले कि आपको कैसी लगी वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.